तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। इसको पिछले वीडियोस में मैं सिंपली इसमें इनकमिंग करंट इन ओपम आइडियल ओपम जीरो बोल के VA इज इक्वल टू VV सिंपल बोल दिया था। आज मैं समझाने वाला हूँ इसमें क्या एक्चुअली होता है जो ऐसा हम लोग करते हैं ड्यूरिंग नोडल एनालिसिस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब लगाते हैं हम ओपम का आउटपुट निकालने के लिए। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है आइडियल ओपम के लिए, ठीक है? तो आइडियल ओपम में हम क्या बोलते हैं, पहला कंडीशन है इनफाइनाइट वोल्टेज गेन और दूसरा कंडीशन है इनफाइनाइट इनपुट इम्पेडेंस। तो इनफिनाइट वोल्टेज गेन है तो वोल्टेज गेन का AV से डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी है हमारा, AV इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब गेन, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो वी नॉट बाय वी आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय वी डी। अभी आपको VD जो ये डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, V1 और इसको V2 अगर हम बोले तो VD इज इक्वल टू क्या होगा, V1 माइनस V2, सिंपल है। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में वोल्टेज ज्यादा है या इन्वर्टिंग टर्मिनल में वोल्टेज ज्यादा है, हम उस चीज को नहीं जानते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं वी नॉट बाई वी डी, ये जो है वी वन, वी नॉट बाय वी इन, सॉरी वी वन नहीं वी इन होगा। तो और वी इन हम क्या बोल रहे हैं, वी वन माइनस वी टू यानी वी डी जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस है इज इक्वल टू ये इन्फाइनाइट है। तो वी नॉट बाय इन्फाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी। अब हम ये पता है हमको कि कोई भी चीज का डिवीजन अगर इन्फाइनाइट से होता है तो वो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो देयर फोर वी डी इज इक्वल टू जीरो। तो वोल्टेज डिफरेंस अगर आपका जीरो है यानी हम V1 माइनस V2 इज इक्वल टू जीरो करें तो V1 इज इक्वल टू V2। तो हमने जो बोला था कि एक नोड का ये और दूसरा नोड का ये बराबर होगा, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू V2। ये पहला चीज हमारा हो गया। अब दूसरा हमारा आता है इनफाइनाइट इनपुट इम्पेडेंस, इनफाइनाइट इनपुट इम्पेडेंस। अब हम इसमें से वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में से ये जान गए कि V1 इज इक्वल टू V2 है, तो इसी चीज को मैं इधर दिखाया। अब इनफाइनाइट इनपुट इम्पेडेंस, इम्पेडेंस का डिनोशन कैसे होता है, जेड से, जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज बाय करेंट यानी इनपुट करेंट बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हम करंट निकालना चाहें, I1 इज इक्वल टू V1 V इनपुट बाय इनफाइनाइट। फिर वही चीज कि कोई भी चीज को अगर हम इनफाइनाइट से डिवाइड करें तो ये जीरो होगा, तो इनकमिंग करंट ये हमारा जीरो हो गया। तो इसलिए हम ये बात बोलते हैं कि जब हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो करंट इंट्री इन द ओपाम विल बी जीरो। करंट एंटरिंग इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट विल बी जीरो। तो वही हम इस जब भी हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनकमिंग करंट जो I1 या I2 है ये सब जीरो होंगे। ओके, सो यही था वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। इसको हम
जब हम आउटपुट वेवफॉर्म निकालेंगे ओप एम्प का, तब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आगे की वीडियोस में हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसी से। ओके सो आशा करते हैं फ्रेंड्स मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और कुछ भी सजेशंस आपके मन में है इस वीडियोस को लेके या मेरे पिछले वीडियोस के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपने आप को करेक्ट करने का बहुत कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।